तो सही बात बताऊं, एक लाइन के अंदर अगर बात बताऊं तो अभी जो है ऐसे शेयर्स जो है मल्टीबैगर शेयर्स की सेल लगी हुई है। मतलब जो भी इतने फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं उनकी अभी सेल लगी हुई है। मतलब वो शेयर जो है हमें काफी सस्ते के अंदर मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चार ऐसे मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में। जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, मल्टीबैगर शेयर। तो पहला है IEX, दूसरा है टाटा पावर, तीसरा है अदानी बेलमार और चौथा है रुचि सोया। तो इन चारों शेयर्स के अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए, मतलब इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी आगे क्या रहनी चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट जो है बहुत डाउन चल रहा है, मतलब बियरिश मार्केट है, तो पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है। जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री बना के बैठे थे, अब उनके अंदर पैनिक का माहौल है क्योंकि मार्केट जो है लगातार डाउन जा रहा है, शेयर्स भी डाउन जा रहे हैं। तो अब आगे क्या करें, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है इस वीडियो के अंदर हम दूर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी ने महंगे भाव के अंदर शेयर्स लिए हैं, मतलब कोई भी शेयर है जिन्होंने 52 वीक के हाई पर उन्होंने शेयर लिए हैं, तो उनको काफी गिरावट देखने को मिली है, उनके पोर्टफोलियो काफी लॉस के अंदर है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सस्ते के अंदर शेयर लिए हुए हैं पर उनका प्रॉफिट जो है लगातार कम हो रहा है, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं लगातार डाउन हो रहे हैं तो उनका प्रॉफिट आज कम दिखा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सही बात बताऊं, एक लाइन के अंदर अगर बात बताऊं तो अभी जो है ऐसे शेयर्स जो है मल्टीबैगर शेयर्स की सेल लगी हुई है। मतलब जो भी इतने फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हैं उनकी अभी सेल लगी हुई है। मतलब वो शेयर जो है हमें काफी सस्ते के अंदर मिल रहे हैं। तो जिनके पास पहले से ही कोई भी शेयर है तो वो उनको एवरेज कर सकते हैं, या जिनके पास नहीं है तो वो अभी इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, या जिनके पास अभी तक डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो वो डीमेट अकाउंट खुलवा के वो अभी नए शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, मतलब अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एंजल वन के अंदर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। जीरोदार ऑपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं IEX शेयर के बारे में, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर के बारे में। तो दोस्तों टिकट टैप पर अगर इसका एक साल का प्राइस चार्ट हम देखते हैं तो ये 318 रुपए पर हाई गया है और 122 रुपए पर लो गया है एक साल के अंदर। और अभी जो इसका प्राइस देखे तो 170 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अगर पास्ट के अंदर देखें, मतलब ये स्प्लिट भी हो चुका है और उसके अलावा बोनस भी ये दे चुका है, तो इसका प्राइस जो है अब एवरेज हो चुका है प्राइस चार्ट के अंदर। तो ये कंपनी जो है पावर की ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड करवाती है। पावर मतलब जो बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है उसके लिए क्या है कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे हम कोई भी शेयर जो है BSE और NSE के अंदर खरीदते हैं, तो BSE और NSE क्या है कि एक्सचेंज है, उसी तरह से पावर की हमें ट्रेडिंग करनी होती है तो वो IEX पर हम कर सकते हैं, वो भी BSE NSE की तरह है। तो इसके अंदर क्या है कि जिन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है, जैसे बड़ी फैक्ट्रीज वाले हैं या कोई भी जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने वाले होते हैं जैसे टाटा पावर, अदानी ग्रीन है, और उसके अलावा छोटे मोटे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाले हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपनी बिजली को सेल करते हैं, और जिनको चाहिए होती है वो खरीदते हैं। इस कारण इसका जो नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज का ये काम करती है। तो ये बहुत बढ़िया काम है, जिनको जरूरत रहती है तो यहां से डायरेक्ट वो खरीद सकते हैं। फ्यूचर इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अभी इसका अगर मार्केट शेयर देखें, मतलब जो ये काम करती है उसके अंदर इसका मार्केट शेयर जो है लगभग 95% के आसपास है। 95% बहुत जबरदस्त होता है। और भी एक दो कंपटीटर्स हैं पर उनके पास इतना मार्केट शेयर नहीं है, 95% ये अकेला मार्केट कवर करती है। अगर हम यूं भी मान लेते हैं कि 90% से ऊपर का ये मार्केट कवर करती है तो भी बहुत जबरदस्त ये मार्केट है इसके पास। और इसके अलावा अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो रतन इंडिया, PTC इंडिया इसके कंपटीटर्स हैं, पर उनसे ये कहीं आगे है IEX, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मतलब अपने मार्केट के अंदर दबदबा है, अकेली टॉप की कंपनी है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल लगातार बहुत बढ़िया ग्रोथ है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ही आपको बताऊंगा क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और 2022 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखें तो 491 करोड़ रुपए का है, और अगर इसका प्रॉफिट देखते हैं तो 309 करोड़ रुपए का है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है लगभग 62% के है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। नॉर्मल भी कोई बिजनेस होता है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं तो 25-30% हाइएस्ट होते हैं, पर इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है 62% का, बहुत जबरदस्त है। तो कंपनी का जो सिर्फ खर्चा होता है, जो ये प्लेटफॉर्म वगैरह मैनेज करती है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो बैक एंड सर्विस देनी है, उसके अंदर इसका मेनली खर्चा होता है। तो ये हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। आने वाले 4-5 सालों के लिए टारगेट रख के एंट्री बनाइए, बहुत बढ़िया शेयर है। और इसका एक साल का अगर लो देखते हैं तो 122 के आसपास चल रहा है, तो इस हिसाब से आप अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके एंट्री बनाइए, 20-20% अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा जो शेयर है टाटा पावर, टाटा पावर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। टाटा पावर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करती है, ट्रांसमिशन का भी काम करती है, उसके अलावा जो इसके फ्यूचर के बिजनेस हैं
ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए ये काम कर रही है, और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ये कंपनी काम कर रही है, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है उसके अंदर ये नंबर वन कंपनी है इंडिया के अंदर, और आने वाले 5 से 6 साल के अंदर भी ये नंबर वन कंपनी ही रहेगी, क्योंकि ये इस मार्केट के अंदर पहले से ही उतर चुकी है और इसके अंदर एस्टेब्लिश प्लेयर है। और उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर ये सेकंड नंबर पर आती है अदानी ग्रीन के बाद, तो इसका फ्यूचर जो है काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। और ये लार्ज कैप कंपनी है, 298 एक साल के अंदर ये हाईएस्ट गया है और 118 ये लोएस्ट गया है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल देखिए तो बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 46,000 करोड़ रुपए का 2022 के अंदर इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और लगभग 1740 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो अभी इसके प्रॉफिट मार्जिन कम नजर आ रहे हैं, कम किस लिए है क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर भी है इस कारण इसके ऊपर डेप्ट भी काफी ज्यादा है, लगभग 51,000 करोड़ रुपए का डेप्ट है। डेप्ट क्यों है, क्योंकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो सोलर प्लेट्स लगती है, हम जो ये विंड एनर्जी है उसके अंदर भी पंखे वगैरह लगते हैं, तो अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। उसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो लगा रही है उसके अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये जब एस्टैब्लिश करके रह जाएगी उसके बाद जब इसका प्रॉफिट कमाने का टाइम आएगा, जब उससे बिजली की जनरेशन होगा, जब सोलर पावर से या विंड पावर से, उसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशन जब काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद से क्या आएगी, ये जबरदस्त प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। तो आने वाले 5 से 6 साल का अगर टारगेट बना के चलते हैं तो बहुत बढ़िया कंपनी है टाटा पावर। उसके बाद इसके डैप भी चुक जाएगा और कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगी। फिर दोस्तों तीसरी जो कंपनी है अदानी विलमार, अदानी विलमार मुझे पर्सनली बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्योंकि इसका जो सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, और एफएमसीजी जो सेक्टर होता है सदाबहार सेक्टर होता है, इसके अंदर हमेशा ही प्रॉफिट है और हमेशा ही डिमांडिंग सेक्टर है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनकी डिमांड आने वाले 5 से 6 साल के अंदर रहती है, वो सीजन बाय सीजन एंड होते रहते हैं, पर एफएमसीजी जो सेक्टर है हमेशा चलता रहता है, मतलब खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की चीजें हमेशा चाहिए ही होती है। और अगर टिकट टैपर इसका एक साल का हाईएस्ट देखें तो 878 रुपए पर हाई गया है और लोएस्ट गया है 227 रुपए पर, तो इस हिसाब से देखें आईपीओ आने के बाद बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है लगभग 550 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से देखें तो अभी काफी सस्ता ये शेयर जो है चल रहा है। और ये लार्ज कैप कंपनी है, उसके अलावा ये एडिबल ऑयल का बिजनेस है इसका, मतलब जो खाने वाला तेल होता है उसका ये बिजनेस है, 17% का ये मार्केट शेयर करती है ऑल इंडिया के अंदर, मतलब अकेली ये कंपनी जो है 17% अपना जो एडिबल ऑयल है वो सेल करती है। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आटे हैं, दालें हैं, सुगर, चावल वगैरह, ये जो चीज़ें होती है सूजी वगैरह, उसके अंदर भी ये कंपनी उतर गई है, तो इसके अंदर भी इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस कारण क्या है कि इसके थोड़े प्रॉफिट मार्जिन अभी कम है, अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बहुत बढ़िया ग्रोथ है। अभी इसका 2022 का रेवेन्यू देखते हैं तो 54,390 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है, बहुत ज़बरदस्त है, पिछले साल की तुलना में भी बहुत ज़बरदस्त ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर 2022 का अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 770 करोड़ रुपए का ही है। प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों है, क्योंकि भी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके अलावा भी एडिबल ऑयल के जो दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, आपने देखा होगा अभी इंडोनेशिया ने भी बैन लगा लिया, उसके कारण क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन पर भी इफेक्ट पड़ गया है। और बाकी इन फ्यूचर इसके प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरेंगे, और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, एडिबल ऑयल के अंदर नंबर वन कंपनी है, तो इस कारण क्या है कि इसका फ्यूचर काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। अभी शेयर जो है काफी सही भाव के अंदर चल रहा है, अगर एंट्री बनानी तो 20% अमाउंट इन्वेस्ट करके एंट्री बनाते चलें, और गिरे तो और ले सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों चौथा जो शेयर है रुचि सोया, रुचि सोया बहुत ही फेमस कंपनी है, अभी इसका एफपीओ आया था और ये आगे आने वाले टाइम में जो कंपनी इसका नाम होगा पतंजलि फूड्स, और इसकी जो प्रमोटर है वो भी पतंजलि ग्रुप ही है, इसका प्रमोटर बाबा रामदेव जी वगैरह वो इसके प्रमोटर्स हैं। और इसका जो एफपीओ आया था उसके अंदर ये शेयर जो दे रहे थे लगभग 650 रुपए के आसपास, तब किसी ने ये शेयर नहीं लिया जब ये शेयर जो है अंडर सब्सक्राइब था, मार्केट में बहुत ही गलत माहौल फैला हुआ था पतंजलि फूड्स मतलब रुचि सोया को लेकर। और अभी ये शेयर जो है 1000 रुपए के आसपास चल रहा है और अभी ज्यादा गिरा भी नहीं है, अभी शेयर को कह सकते हैं काफी सस्ता चल रहा है। और अगर एडिबल ऑयल के अंदर देखें तो इसका मार्केट शेयर है लगभग 8 से 9% के आसपास, और सेकंड नंबर पर आती है रुचि सोया अदानी विलमार के बाद। और उसके अलावा पतंजलि के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे हनी, आटा, शुगर, बिस्किट्स वगैरह हैं, और भी नूडल्स हैं, न्यूटेला न्यूट्रिशंस हैं, और भी काफी सारी चीजें जो फूड्स रिलेटेड चीजें हैं वो सारी पतंजलि फूड्स के अंदर आएगी और सारी रुचि सोया के अंदर में आएगी, बाद में रुचि सोया का नाम पतंजलि फूड्स कर दिया जाएगा। तो इसका फ्यूचर भी बहुत जबरदस्त है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट में अगर बताऊं तो पाम ऑयल जो है इंडिया में बाहर से आता है, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया से ज्यादातर हमारा पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, मतलब वहां से ही आता है ज्यादातर। और पतंजलि क्या कर रही है कि पाम ऑयल का प्लांटेशन कर, मतलब जो पाम ट्रीज है उनका प्लांटेशन कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके अंदर लीडिंग कंपनी कौन होगी, वो होगी रुचि सोया, मतलब जो पतंजलि फूड्स है वो लीडिंग कंपनी होगी। तो आने वाले 5 से 6 साल का अगर टारगेट बना के चलते हैं बहुत बढ़िया कंपनी है,
और एफएमसीजी सेक्टर जो है काफी बढ़िया सेक्टर है। और टिकट टैप पर अगर इसका प्राइस चार्ट देखते हैं तो एक साल का जो हाई है लगभग 1244 और लोएस्ट है 700 रुपए, तो उस हिसाब से अभी सही भाव के अंदर चल रहा है 1000 रुपए के आसपास, तो धीरे धीरे करके आप एंट्री बना सकते हैं। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल देखते हैं तो फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव था पर अभी क्या है कि इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत बढ़िया है 2022 के अंदर। तो 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 24,280 करोड़ रुपए का और इसका जो प्रॉफिट है 810 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़िया है, अदानी विलमार से कंपेयर करें तो उससे काफी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर इसमें आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके एंट्री बना सकते हैं, और शेयर गिरता है तो और ले सकते हैं, 20-20% अमाउंट इन्वेस्ट करके एंट्री बनाइए, यही सही रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि शेयर्स कब तक गिरेंगे या शेयर्स कब तक चढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके एंट्री बनाएंगे तो आपके पास पैसे रहेंगे एवरेज करने के लिए। तो दोस्तों ये चारों शेयर्स काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं और ये मल्टीबैगर शेयर्स हैं और वास्तव में ये मल्टीबैगर शेयर हैं। अभी ये डाउन हुए हैं तो अभी यही सोचिए कि अभी सेल के अंदर हमें शेयर्स मिल रहे हैं, काफी सस्ते में शेयर मिल रहे हैं, तो अभी घबराने का टाइम नहीं है, पैनिक करने का टाइम नहीं है, अभी मार्केट से माल उठाने का टाइम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों इन चारों शेयर्स में से आपके पास कौन सा शेयर है और आपको कौन सा शेयर लेना पसंद आ रहा है, मतलब आप कौन सा शेयर लेना पसंद करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक और टिकट टैप पर अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।